जय हिंद दोस्तों, मैंने आपको अभी एक वीडियो दिखाया है, ये पूरा वीडियो नहीं दिखाया है, आपको आगे पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये जो वीडियो है इस टाइम पूरे देश भर में वायरल हो रहा है और ज़्यादातर सोशल मीडिया पर तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और हमारे देश की जो मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी अपने चैनलों पर इस वीडियो को लेकर डिबेट रख रही है। दोस्तों आज अलविदा जुमा था, यानी रमज़ान का लास्ट जुमा, और ये जो वीडियो है ये पटना का वीडियो है, जहां पर पटना की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज यानी अलविदा जुमे की नमाज होने के बाद अतीक अहमद और अशरफ की जो तीन हत्यारों ने पुलिस कस्टडी में, पुलिस सिक्योरिटी में, मीडिया कैमरों के सामने जो हत्या कर दी थी और जो वीडियो लाइव कैमरे पर बन गई थी, जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया ने उस वीडियो को देखा, उस मर्डर को देखा, उसी मर्डर के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सड़क पर उतरे, मस्जिद के बाहर नारेबाजी की। उन्होंने मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए, वहीं साथ में अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, ये भी नारे लगाए। आप सबसे पहले पूरा वो वीडियो देखिए। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लांड वे में मारा गया, योगी सरकार ने उनको प्लांड वे में मरवाया, इसमें कोर्ट मिट गया, सरकार पुलिस सबका हाथ उसको मरवा लो। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है, शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। अपना पूरा नाम क्या लिखते सर? मेरा नाम रईस गजनवी है। गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है, कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है, उनको सजा होता फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन जिस ढंग से उनकी दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख लिया, वीडियो में आपको साफ दिख रहा होगा कि अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे के नारे लग रहे हैं, वहीं मोदी योगी मुर्दाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, वहीं साथ में मीडिया भी वहां पर मौजूद है, मीडिया से भी बात करते हैं लोग और कहते हैं कि ये जो अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या हुई है इसमें सरकार शामिल है, पुलिस शामिल है और साथ में मीडिया भी शामिल है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया भी शामिल है, सरकार भी शामिल है और पुलिस की इन तीनों लोगों की मिली भगत से अतीक अहमद और अशरफ को मारा गया है। पर दोस्तों जो लोग इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, ये तो शुक्र है कि ये पटना में लगे हैं नारे, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है,
दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे नारे लगते तो शायद अब तक बुलडोजर उनके घरों पर चल जाता। अगर कहीं और जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर अगर ऐसे नारे लग जाते तो वहां पर बुलडोजर लग जाता, यूएपीए भी लग सकता था और अब तक तो गिरफ्तारी होकर जेल में भी भेज दिया जाता काफी ज्यादा लोग जो जो वीडियो में नजर आ रहे हैं। पर अभी तक इस पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। पर दोस्तों, उन लोगों के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है जो अतीक अहमद और अशरफ के साथ खड़े हैं। वो सिर्फ लोग ये कह रहे हैं कि ये कानून के खिलाफ हत्या हुई है, कानून की हत्या हुई है, संविधान की हत्या हुई है। और जो लोग उन तीन हत्यारों के साथ खड़े हैं उनको हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदू महासभा ने तो ऐलान भी किया है कि वो इन तीनों हत्यारे की मदद करेगा, आर्थिक मदद करेगा, कोर्ट में जो भी केस में पैसे खर्च होंगे उसमें मदद करेगा। उन लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, ये तो दोगलापन है और इन चीज़ों से, यानी कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। जो आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं उनके लिए क्या कानून नहीं है, और जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए कानून है। चलिए दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।